नमस्कार, मैं पीएन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं पीएन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 6 अगस्त 2019 एमटीएस का पेपर। 6 अगस्त 2019 फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के सारे मैथ्स के क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि डेली मैं यहाँ पर एक शिफ्ट का कम्प्लीट मैथ्स का सोल्यूशन कराता हूँ, तो बस आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और उसके अलावा आपकी कंप्लीट जो मैथ्स है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो मेरा प्लान है उस बेसिस पे अगर आप काम करते रहेंगे तो मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करेंगे। बस जिस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, बस आप लोग उस तरीके से सारा कुछ करते रहिए, आपके 25 में 25 नंबर आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, किसी वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होगा। देखिए, जो वर्ग है उसकी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, आपको बस इतना दिमाग लगाना है, चाहे वर्ग की पूछी जाए और चाहे आपकी त्रिभुज की पूछी जाए। देखो, परित्रिज्या जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी और अंतः जो त्रिज्या होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो अगर वर्ग की पूछी गई है कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात तो कितना होगा, 1:√2। अब ऐसा क्यों है? देखो, √2 यहाँ पे क्या होगा, परित्रिज्या के साथ √2 आएगा, क्योंकि √2 का मान जो है वो 1.414 होता है और यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर पूछा जाता परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात कितना होगा तो √2 कितना होगा, 1 होगा। अब ऐसा क्यों है? जैसे अगर हम वर्ग बनाएं तो अगर हम इसमें इन सर्किल बनाएंगे तो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, इसकी वर्ग की भुजा की आधी होगी। यानी कि अगर वर्ग की भुजा a है तो जो रेडियस होगी वो a/2 होगी। और अगर हम बाहर इसके सर्किल बनाते हैं तो जो बाहर वाला जो वृत्त है इसका जो व्यास है वो इसके विकर्ण के बराबर होगा। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, विकर्ण की आधी है। विकर्ण कितना होता है, भुजा √2 होता है, यानी कि √2 × भुजा। जब उसका बटे दो करेंगे तो कितना आएगा, a/√2। तो a/√2 करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, √2 बटे कितना हुआ, 2। 2 को क्या ले सकते हैं, √2 × √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 1:√2। तो इस तरीके से ये इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसे निकाला जाता है, लेकिन इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद रखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x + y = 52 और x - y = 20, तो x और y का अनुपात निकालना है। हमेशा याद रखो, अगर दो संख्याओं का योगफल दिया है और अंतर दिया है, तो बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो क्या होगी, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो 52 20 72 72 का आधा करेंगे तो कितना हुआ, 36। और छोटी संख्या निकालनी है तो इनको घटा के आधा करेंगे, 52 में से 20 गया तो कितना बचा, 32। और 32 को आधा करेंगे तो कितना हुआ, 16। अब इसका रेशियो निकालना है तो 4 से काट सकते हैं, 4 × 36, 4 × 16, यानी कि 3 कितना होगा, 4 होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 7/16 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का आपको SCF निकालना है तो अंश का निकालेंगे SCF और नीचे वाला जो टर्म है उसका निकालेंगे LCM। तो 7, 21 और 49 का SCF कितना होगा, मैक्सिमम यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं, 7। और नीचे वाले का LCM, तो नीचे वाले का LCM क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 16 से भी कट जाए, 32 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, तो वो क्या होगी, 32 होगी। यानी कि जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 7/32, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000 है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, आपको ये बताना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, देखो समान राशि बचा रहे हैं इसका मतलब है इनकी जो आय है उसका डिफरेंस इनकी बचत के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 2 का मान डायरेक्ट आप रख सकते थे किसके बराबर, 4,000 के बराबर। तो 1 का मान कितना होगा, 2,000, और समान धनराशि कितनी बचा रहे हैं, 2,000। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप बेसिक से कर लो। मान लेते हैं बचत जो है, देखो यहाँ पे वह दिया हुआ है 5 और 3 का अनुपात है, तो मान लेते हैं 5x और 3x है। अब आपको पता है बचत कैसे आती है, आय में से अगर हम व्यय को घटाते हैं तो पहले वाले की बचत कितनी हो गई, 12,000 - 5x, और दूसरे वाले की बचत कितनी है, 8,000 - 3x, क्योंकि अब दिया हुआ है दोनों बराबर है तो इसको बराबर रख दिया, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर कितना आ गया,
4000 के बराबर आ गया। देखो वही चीज़ आई तो एक्स का मान कितना होगा 2000, और आपसे पूछा गया है प्रत्येक कंडीशन में बचत क्या होगी, तो 12000 माइनस 5x, 5x यानी कि 5 × 2 = 10, तो 12000 में से 10000 घटाएंगे तब भी 2000 आएगा, और 8000 में से 6000 घटाएंगे तब भी 2000 आएगा, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 360, एक्स वाई और जेड का अनुपात कितना है 4:3:2, तो 4 × 3 = 7, 2 = 9 का मान कितने के बराबर है 360 के बराबर, तो 1 का मान 40 के बराबर हुआ, 1 का मान कितने के बराबर हुआ 40 के बराबर हुआ। अब आपको क्या निकालना है, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, तो रेशियो में ही पहले निकाल लो, वाई प्लस जेड कितना होगा, वाई प्लस जेड यानी कि 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, और 1 रेशियो का मान 40 है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे दिया गया दंड आरेख किसी पार्किंग क्षेत्र में 10 अलग अलग दिनों में खड़ी कारों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि D1 डेट में 242 कारें खड़ी हैं, D2 डेट में 262, इस तरीके से D10 तक दिया हुआ है। तो क्या पूछा गया है, D3 तथा D8 में खड़ी कारों की संख्या का अंतर कितना होगा, तो D8 में कितनी कारें खड़ी हैं 322, और D3 में कितनी खड़ी हैं आपकी 281, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, यानी कि 41, तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए दिया हुआ है, पूछा गया है कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 25 है, तो मूलधन कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो आर का आर परसेंट होता है, तो 5% कितना हुआ 0.25%, और उसका मान कितने के बराबर दिया हुआ है 25 के बराबर। अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25 से काट देंगे तो 1% का मान कितने के बराबर हुआ 100 के बराबर, तो 100% का मान कितना होगा 10,000, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारे मैं जब आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 है, यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो हमेशा, अगर प्रॉफिट दिया है तो मतलब एक जैसी अगर चीज़ें दी हैं तो उनके डिफरेंस के बराबर होता है, और अपोजिट अगर चीज़ें हैं तो उनके सम के बराबर होगा। अब देखो एक तरफ है 20% का फ़ायदा और दूसरी तरफ है 18% की हानि, यानी कि इनका जो सम है 38% का जो मान है वो किसके बराबर होगा 570 के बराबर, तो 19 × 2 = 38, 19 × 3 = 57, 2 से काटेंगे कितना होगा 15, 1% का मान 15 के बराबर, तो 100% का मान कितना हुआ 1500। क्लियर, यानी कि जो धनराशि है वो कितनी आ गई, यानी कि जो CP है वो 1500 आ गया, अगर 12% की हानि पर बेचोगे। अब देखो 1% का मान 15 के बराबर, 12% का मान कितना हुआ 180, तो 180 इसमें से घटा देंगे यानी कि 1320 रुपये इसका नया वाला विक्रय मूल्य आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि पार्किंग क्षेत्र में सभी 10 दिनों में खड़ी कारों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि जो टोटल संख्या है इसे जोड़ के आपको बताना है, तो जब इसे जोड़ेंगे तो 3062 आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर उसे 9 दिन में कर सकते हैं, जेड अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में करता है, वाई उसी कार्य को 30 दिन में करता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड उस कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 90, 15 × 96 = 90, 30 × 3 = 90 होता है, और 9 × 57 = 90, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, काम तो निकल आया टोटल, सिर्फ हमें जेड की कैपेसिटी निकालनी है। अब देखो तीनों मिलके एक साथ कितने लड्डू बनाते हैं 10, और एक्स और वाई ने अकेले कितने बना लिए 6, 3, 9, यानी कि जेड अकेले एक लड्डू बनाता है, तो 90 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा 90 दिन, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है 3000 रुपये की राशि को 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो डायरेक्ट हम ब्याज निकाल लेंगे, तो पहले साल क्या होगा 20% मिलेगा 3000 का, तो 3000 का 20% कितना हुआ 600 रुपये, दूसरे साल क्या होगा ये 600 रुपये 600 तो रहेगा
और 600 का 20% और मिलेगा, यानी कि 120 रुपये और मिलेगा, तो टोटल ब्याज कितना मिल गया, 1320 रुपये, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज किया गया है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी बेलन यानी कि सिलेंडर का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 25,344 है तथा उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, उस बेलन का आयतन कितना है जिसकी धारिता, धारिता का मतलब भी होता है आयतन, जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन की पाई बटे 792 गुनी है। तो यानी कि आपको नए वाला जो बेलन है उसका आयतन बताना है जिसका आयतन इस वाले बेलन का कितना है, पाई बटे 792 गुना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, पहले आयतन निकालना है और फिर उसे किससे गुणा कर देना है, पाई बटे 792 से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे करेंगे, देखो दिया हुआ है बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh, यानी कि 2 × 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान हमें निकालना है, आर एच का मान कितना दिया हुआ है 32 और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 25,344 के बराबर। तो काट लेंगे भाई, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33 और न जाने का 0, 11 4 44, 4 से काटेंगे, 4 5 20 हुआ, फिर 3 0 उतारा, फिर 4 7 28 और 4 6 24, 4 7 28 4 6 24। अब हम इसे काट लेंगे किससे, 32 से डायरेक्ट काटेंगे, तो 32 1 32 और 32 8 होगा, यानी कि 18 बार जाएगा। तो टोटल आर का जो मान आया वो कितना आ गया, 7 × 18, आर का जो मान आया वो कितना आया, 7 × 18। अब इसका आयतन निकालते हैं, तो आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और डायरेक्ट नए वाले का निकाल लेते हैं उसे पाई बटे 792 से गुणा करके, तो पाई आर स्क्वायर एच यानी कितना होगा, 22/7, आर का मान कितना आया, 7 × 18, तो पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना है, 32 और 22/7 और नीचे कितना होगा, 792 और होगा, तो 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब ये जो 792 11 से कट जाएगा, 11 2 22, 11 7 77 और यहाँ पे 11 2 22, तो फिर 18 से काटेंगे, 18 4 72, 2 से काटेंगे 2 और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 9, यानी कि 22 × 9, तो 9 2 18 और 8 2 16, यानी कि वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 6 है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6336 आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, देखिए दिया हुआ 39/26, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो 3/2 आएगा, यानी कि 1.5 हमने ऐसे लिख लिया, फिर 22 को डिवाइड करना है 11 से, तो कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 2 × 2 = 4 और 4 3 = 12, तो 12 और 4 कितना हुआ, 16, यहाँ पे कितना आ गया, 16, अब नीचे कितना आएगा, 2 ½, ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कितना हो गया यहाँ पे, 10, अंदर कितना आएगा, देखो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 5 = 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 3 और 3 3 = 9, तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1, यानी कितना आएगा, 17.5 और 17.5 का मतलब कितना हुआ, 35/2, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 1800 रुपये, यदि 32% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आप इसका चाहो तो 132% निकाल लो, या इसका पहले 32% निकालो फिर इसमें जोड़ो, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका 132% निकाल देते हैं 1800 का, तो 1800 का अगर 32% का फायदा हुआ, इसका मतलब है विक्रय मूल्य कितना होगा, 132%, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 18 2 = 36, 18 3 = 54 और 3 कितना हुआ, 57, हासिल लगा 5, 18 1 = 18 और 5 कितना हुआ, 23, यानी कि 2376, तो आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि D10 में खड़ी कारों की संख्या D1 में खड़ी कारों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो D10 में कितनी कारें खड़ी हैं, 356 और D1 से उसका परसेंटेज निकालना है, तो इसमें कितनी है, 242, तो 242 पहले आप 242 इसमें से घटाओ तो कितना आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कि 114 ज़्यादा है, किससे, D1 से निकालना है, तो 114/242 × 100,
जब इसे साल्व करेंगे तो कितना जाएगा 47.11, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम में तो लिखा हुआ है संख्या कितनी है 5, यानी कि विषम है, तो माध्यिका क्या होगी n+1/2 वा पद, यानी कि 5+1/2 यानी कि तीसरा पद होगा, तो कितनी होगी 3 होगी, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी कि अंकित मूल्य का कंपेयर करना है लागत मूल्य से। हमेशा आप याद रखो कि अगर आपको डिस्काउंट दिया है किसी क्वेश्चन में और प्रॉफिट या लॉस दिया है, तो वहाँ से रेशियो किसका निकाल सकते हैं, CP और MRP का। कैसे निकलेगा, जो डिस्काउंट है वो CP पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 20% का अगर डिस्काउंट दिया गया तो CP कितना हो गया 80, और प्रॉफिट या लॉस जो है वो MRP पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 30% का अगर फ़ायदा है तो MRP कितना हो जाएगा 130। अब ये बताना है जो 130 है वो 80 का कितना परसेंट है, तो 130/80 × 100 करेंगे, तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, जब इसे साल्व करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा 2, 25 × 3 = 75, यहाँ से लगे 7, 25 × 1 = 25 और 7 कितना हुआ 32, जब इसे 2 से काटेंगे तो 162.5% आएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है भुजा √2, यानी कि √2 का मान कितना दिया हुआ है 24। अब इसका परिमाप निकालना है, तो पहले भुजा निकालो, तो भुजा ए का मान कितना होगा 24/√2, तो √2 से अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 12√2। अब परिमाप जो होगा वो इसका 4 गुना होगा, यानी कि 2/48√2, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है, तो जैसे दिया हुआ वैसे आप करते जाओ। क्या बोला गया है 24+16 × 5 − 8/4, तो 24+16 × 5 = 80, 80 और 24 कितना हुआ 104, और उसमें से आपको 32 घटाना है, 8/4 का मतलब 8 × 4, फिर डिवाइड करना है 84 से, तो 84 से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 48, फिर आपको डिवाइड करना है 24 से, तो 24 से डिवाइड कर दिया, × 6+ यहाँ पे कितना हुआ 4 और 3 कितना हुआ 7, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा अगर 104 में से हम 32 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे कितना आएगा 72/84, और यहाँ पे देखो 24 × 48 तो 6 × 12 और प्लस कितना हुआ 7, तो 62/84, 72/7+7 तो 7/7 कितना हुआ 49 और 72 कितना हुआ 121/7, यानी कि 121/7 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, ए बी से 15% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना अधिक है 15% अधिक है, तो किससे बोला गया है बी से, यानी कि जो नीचे वाला मान है वो किसको बताएगा बी की वैल्यू को बताएगा, 15% अधिक है, तो 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 3/20, यानी कि अगर बी की वैल्यू 20 है तो ए की वैल्यू उससे 3 अधिक यानी कितनी होगी 23 होगी, तो पूछा गया है बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले तो ये निकालो कितना कम है 3 कम है, तो 3 है 23 से कम, तो 100 से कितना कम होगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13.04, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे तीसरा वाला। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर/आवर है और नाव की ऊर्ध्व प्रवाह जो गति है वो 10 किलोमीटर/घंटा है, वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, तो शांत जल है यानी कि नाव ही सिर्फ चलेगी, तो बस नाव की चाल निकालनी है आपको और 72 को नाव की चाल से डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा। अब देखो अनुप्रवाह का मतलब क्या हुआ x + y का मान कितना दिया हुआ 14 और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब x − y का मान दिया हुआ 10, आपको निकालना है नाव की चाल, तो नाव की चाल यानी कि बड़ा वाला वैल्यू निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 14 + 10 = 24, 24/2 करेंगे तो कितना हुआ 12, यानी कि नाव की चाल कितनी आ गई 12। अब 12 किलोमीटर/घंटे की चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 72/12 यानी कि 5 × 72 तो 6 घंटा लगेगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, किसी बस की गति जो है वो कार की दुगनी है, बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी। तो पहले हम कार की चाल निकाल लेते हैं, तो कार की जो चाल है वो कितनी होगी, 18/24। अब इसे घंटे में अगर हमें चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा, तो इसे काटेंगे 6 3 18 6 4 24, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 15 3 45। अब जो कार की चाल है वो 45 आ गई, तो बस की जो चाल होगी इससे दुगनी, यानी कि 90 किलोमीटर पर घंटा, और दूरी कितनी तय करनी है, 135। तो 45 3 और 45 2, यानी कितना होगा, 3/2 3/2 को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 30। तो 3 3 9 यानी कि 90 मिनट लगेंगे, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पी और क्यू, क्यू और आर, आर और पी की औसत आयु कितनी है, 13 14 और 12 है, क्यू की आयु कितनी होगी। तो पी और क्यू का जो औसत है वो 13 है, तो पी प्लस क्यू का जो मान होगा वो कितना होगा, 13 2 26। क्यू और आर का औसत तो इसका सम कितना होगा, इसका डबल, यानी कि 14 2 28। फिर आर और पी का जो सम होगा वो कितना होगा, 12 2 24। अब देखो मैं इसे मौखिक कर सकता था लेकिन मुझे आपको समझाना है। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 2 टाइम आएगा P प्लस Q प्लस R, तो P प्लस Q प्लस R का मान अगर निकालना है तो 2 से इस सम को डिवाइड कर देंगे, तो चाहे आप इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, इसको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। देखो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13, यहाँ पे कितना आएगा, 14, यहाँ पे कितना आएगा, 12, तो इसको डायरेक्ट जोड़ लो, 13 और 14 कितना हुआ, 27, 27 और 12 कितना हुआ, 39, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 39। अब क्यू की आयु निकालनी है तो इसका मतलब है पी और जो आर है उसका समय में घटाना पड़ेगा, तो इसमें से 24 जब घटाएंगे तो कितना होगा, 15। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 60 दिन में कर सकता है, यदि वे 5 दिन एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना हुआ, 60, 30 दूना यानी कि एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, ये 1 लड्डू बनाता है। अब देखो 5 दिन काम किया, 1 दिन में एक साथ 3 लड्डू बनेंगे, 5 दिन में कितने बने, 5 3 15, तो 15 काम हो चुका है, बचा कितना, 45 लड्डू बचे हैं बनने के लिए, तो वो टोटल का कितना है, 15 से काट लेंगे, 15 3 45 15 6 60, यानी कि 3/4 जो कार्य है वो अभी शेष बचा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 14 बच्चों की जो औसत वजन है वो कितनी है, 22 किलोग्राम, यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाता है तो औसत वजन कितना हो जाता है, 23 किलोग्राम, तो अध्यापक का वजन बताना है, तो 14 लोगों का जो एवरेज है वजन का वो कितना है, 22, जब अध्यापक भी आ जाता है यानी कि 15 लोग हो जाते हैं तो एवरेज कितना हो गया, 23, तो ये जो नया एक आया इसी की एज आपको निकालनी है, तो 14 से 15 हुआ यानी कि 1 की वृद्धि हुई, यहाँ पे 22 से 23 हुआ यानी कि 1 बढ़ा, तो इसको इससे गुणा कर दो इसको इससे, तो 23 1 23 और प्लस 14 1 14, तो 23 और 14 कितना हुआ, 37, यानी कि जो नया एक बंदा आया है उसकी जो एज है वो कितनी है, उसकी जो मतलब वजन है उसका वो कितना है, 37 किलोग्राम है। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने 6 अगस्त 2019 फर्स्ट शिफ्ट के MTS के सारे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको पूरी क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।